हेलो फ्रेंड्स, योगा फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत सारी महिलाएं यूट्रस डिसीज से ग्रसित हैं, उनमें है ओवेरियन सिस्ट, यूटराइन फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस, प्रोलैप्स यूट्रस इत्यादि। जो महिलाएं एडिनोमाइसिस से ग्रसित हैं उनकी पेल्विक एरियाज में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। पीरियड के दौरान ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। कुछ महिलाओं को एडिनोमाइसिस के साथ साथ फाइब्रॉइड की भी समस्या है, उनके लिए अलग से कुछ योगासन है। इस केस में महिलाओं को कुछ सिलेक्टेड योगासन करने चाहिए, इससे आपकी एडिनोमाइसिस के साथ साथ फाइब्रॉइड की भी समस्या ठीक होगी। जिन महिलाओं को एडिनोमाइसिस के साथ साथ फाइब्रॉइड की भी समस्या है उन्हें कौन से योगासन करने चाहिए, आइए देखते हैं। फुट को ज्वाइन करके बैठें, बदकोनासन योगा पोज आपको करना है। दोनों फुट को हाथों से पकड़ करके नीज में लेग्स में अप एंड डाउन की बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। अपने चेस्ट को ओपन करके बैठना है, कंधों को स्ट्रेट रखना है। बदकोनासन योगा पोज ट्रेनिंग करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। फाइब्रॉइड की समस्या को ठीक करने के लिए बदकोनासन योगा पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस योगा पोज को करने से क्रैम्प्स की समस्या भी दूर होती है। लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में भरें, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, सांस को रोककर अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकें। यह है बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इस योगा पोज को 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है, 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। इन्हेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब करते हैं मार्दारिया आसन योगा पोज, जिसे कैट स्ट्रेच कहा गया है। इन्हेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ चेस्ट की तरफ बेंड करें। हेड को जब ऊपर उठाना है तब बैक को नीचे की तरफ पुश करना है। हेड को जब नीचे बेंड करना है, चेस्ट की तरफ बेंड करना है, तब बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है। यानी हमारी बैक में हेड की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। मार्दारिया आसन योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। यह योगा पोज एडिनोमाइसिस के साथ साथ फाइब्रॉइड की समस्या को भी ठीक करने में सहायक है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ अपने लेग्स को नीचे से बेंड कर दोनों हाथों से पकड़कर चेस्ट के पास प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए अपने हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीज के पास लाएं, सांस को रोककर इस पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार ही रुकना है। यह योगा पोज भी आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इन्हेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, एक्सहेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। सेतु बंधासन या ब्रिज पोज, लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखते हुए नीज से बेंड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए अपनी बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, सांस को रोककर इस पोज में रुकें। दोस्तों, ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन सभी तरह के यूट्रस डिसीज को ठीक करने में सहायक है। यह सेफ योगा पोज है, एडिनोमाइसिस के साथ साथ फाइब्रॉइड की समस्या को भी दूर करेगा और दूर करता भी है। इस योगा पोज को आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। यह योगा पोज फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है, यूट्रस को हेल्दी बनाए रखता है। अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज में रुकना है। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। अब दूसरे तरीके से बता रही हूँ। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, इनहेल के साथ अपने बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं,
ब्रेथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। आपको जो स्टेप्स अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, वही स्टेप्स आपको करना है। एक्सेल के साथ बैक को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, दो से लेकर तीन बार तक दोहराएं। उत्तान पादासन, इनहेल के साथ अपने लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल के साथ यानी सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। उत्तान पादासन करने से एडेनोमाइसिस के साथ साथ फाइब्रॉइड की भी समस्या ठीक होती है। यह योगा पोज भी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, यूट्रस को हेल्दी बनाए रखता है। आप इसे 5 मिनट तक भी कर सकती हैं, इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इस योगा पोज को नहीं करनी चाहिए। ये सभी योगासन हमारी एब्डोमिनल एरियाज की मसाज करती है, साथ साथ में यूट्रस को हेल्दी बनाती है। यूट्रस में लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शन इम्प्रूव होती है, इन्हेंस होती है। कुछ सेकेंड्स के लिए लेग्स को उठाकर इस तरह रखें। आप वॉल की सपोर्ट भी ले सकती हैं, इससे आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, हमारी यूट्रस हेल्दी रहेगी। लेग्स को फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे वापस लाएं। अब करते हैं नौकासन। इनहेल के साथ अपने बॉडी को, लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें, सांस को रोककर इस पोज में रुकना है। नौकासन भी आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है, 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। नौकासन योगा पोज करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, एडेनोमाइसिस फाइब्रॉइड जैसी समस्या ठीक होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं और हेड की तरफ बेंड कर रखें। यह है विपरीत करनी, विपरीत करनी योगा करने से आपके फाइब्रॉइड के साथ साथ एडेनोमाइसिस की समस्या ठीक होती है। लेकिन अगर आपको क्रैम्प्स हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पेल्विक पेन हो रही है, तब इस योगासन को सावधानी पूर्वक करना है। अगर ना हो पाए तो ना करें। इसके बाद है पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर बेंड करें, हेड को नीच के ऊपर टिकाएं, ब्रेथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज करने से हमारी सभी तरह की यूट्रस डिसीज ठीक होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस योगा पोज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पेट के ऊपर दबाव महसूस होता है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। भुजंगासन, इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, सांस को रोककर इस पोज में रुकें। भुजंगासन और पश्चिमोत्तासन यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, एडेनोमाइसिस फाइब्रॉइड जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। एक्सेल के साथ बॉडी को फ्लोर के ऊपर लाना है।